वो 29 नवंबर 2005 की शाम थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा इलाके के विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ घर के रास्ते में थे, लेकिन तभी घात लगाए बैठे चंद हमलावरों ने विधायक साहब का रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक दो गोली नहीं बल्कि 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, और जब गोलियों की गूंज थमी तो 7 लोगों का सीना छलनी हो चुका था। इस वारदात ने सियासी गलियारों की खामोश फिजा में खलल डाल दिया। एक विधायक के साथ काफिले में शामिल 6 लोगों की हत्या ने सर्द फिजा में गर्माहट पैदा कर दी। सियासी गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक इस बात को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अदावत का अंजाम है। जब जेल गया अक्टूबर 2005, और जेल के पहले ये प्लानिंग कर रहा था, और उसके बाद इसके घर को बोलते हैं फाटक, तो सबको मालूम था फाटक पर ये मुन्ना बजरंगी, संजीव, जीवा, अताउर रहमान बाबू, ये सब वहाँ पर इकट्ठा थे। डीजी ऑफिस में मैं भी था, तो हमको भी भनक लग जाती थी। और उस समय ये हुआ कि वहाँ के एसपी ने रेड नहीं किया, ऊपर पूछ लो, यहाँ आया, टॉप स्तर पर बताया गया, सबको मालूम था रेड नहीं हुआ, और कृष्णानंद राय पर 500 से ज़्यादा गोलियाँ चलाई गई थी, 7 लोग मारे गए थे, AK-47 और G3, जिसमें कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी। ऐसा नहीं है कि यह हकीकत सिर्फ सोचने और समझने के दायरे तक रहा, बल्कि इस हकीकत को कानूनी कागजात पर कलमबंद भी किया गया। इस हत्याकांड के बाद शहर जल उठा, इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी। आंदोलन की कमान संभाली बीजेपी के राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं ने। समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मुख्तार अंसारी की, जिस पर सीधे तौर पर हत्या में शामिल होने का आरोप था।